जल्दी अगे आ जाएंगे और असि अज अद्भुत गवाहियां नूं सुणांगे जो परमेश्वर ने साडे जीवन दे विच कीते ने। उस महिमा दे लई असि परमेश्वर दा धन्नवाद करांगे। और जदों परमेश्वर की महिमा इस जगह ते कीती जाएगी तो तुसी भी ताड़ियां दे नाल परमेश्वर की महिमा नूं करना है, क्योंकि साडा परमेश्वर महिमामय परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर स्लोनी मकसूदा तो इस लिए दस दें कि पिछले संडे इन्होंने खुदा की दासी जी को प्रार्थना करवाई सी एक अपनी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए। तो सिस्टर दस दें कि जो मैं प्रार्थना करवा के अपने घर गई तो अद्धे घंटे बाद प्रॉब्लम जी खत्म हो चुकी सी। इस छुटकारे के लिए परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद कर दें। ब्रदर सुलखण नैशनल पार्क तो ये ब्रदर जी दसते ने कि पौड़िया तो डिग गई सी और इन्हों के पैर की हड्डी जी फ्रैक्चर हो चुकी हो गई सी। और जो डॉक्टर को गए तो डॉक्टर ने इन्हों प्लस्तर लगाया और उस तो बाद भी ब्रदर जी दसते ने कि भी 21 दिन हो गए कोई भी आराम नहीं सी मिल रहा। और जो इन्होंने खुदा के दास जी गल की प्रोफेट जी को प्रार्थना करवाई तो प्रोफेट जी ने इन्हों वर्ड्स दिते कि तुम अज तो बाद चलोगे। और ब्रदर जी दसते ने कि प्रार्थना तो बाद इन्हों आराम मिलना शुरू होया और इन्होंने चलना भी शुरू कर दिता है। ब्रदर दसते ने कि चल नहीं सी पा रहे पर इन्होंने हौली हौली चलना हुण शुरू कर दिता है। और जो ये दोबारा डॉक्टर को गए डॉक्टर ने इन्होंने दोबारा बोलिया सीगा कि तुहाडा दोबारा प्लस्तर लगेगा। और जो प्रार्थना हुई वर्ड्स इन्हों मिले तो परमेश्वर ने इन्हों के जीवन के काम किया। इन्हों का दोबारा प्लस्तर जिहड़ा हुण असी वो कैंसल हो चुका है। हुण ब्रदर बिल्कुल ठीक ने, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद कर दें। और एक होर इन्हां दी बड़ी ही अद्भुत गवाही आ ब्रदर जी दसदे ने ये बैट दा काम करदे ने और इन्होंने प्रार्थना करवाई सीगी प्रोफेट जी कोलों कि मैनूं एक दुकान मिल जावे जिथे कि मैं अपना काम लैके उन्हां तों काम कर सकां। और इन्हां दे माइंड दे विच इही सीगा कि मैनूं कोई दुकान मिल जाए। और जिद्दां ही इन्हां ने अपने काम दे लई प्रार्थना करवाई आ ते परमेश्वर ने इन्हां दी सोच तों वध के इन्हां नूं काम करके दिखाया है, इन्हां नूं एक गोडाउन दे विच काम मिल गया है। इस वड्डी ब्लैसिंग दे लई परमेश्वर दा धन्नवाद करदे हां। हालेलुया। सिस्टर परमजीत चोगा तो सिस्टर परमजीत चोगा तो ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जी ने इन्हों पूरा महीना संभाल के रखिया, हर एक लोड़ नू जरूरत नू पूरा किया है। और सिस्टर दसते हैं कि इन्हों की बेटी की मैरिज थी, परमेश्वर ने सारे इंतजाम करके दिते ने और इन्हों की बेटी नू मैरिज तो बाद खुदा ने अपने कम्मां दे लई खड़िया किया है। इन्हों सारियां नेकियां भलियाईयां दे लई दिल तो परमेश्वर का धन्यवाद कर दे। सिस्टर बलजीत कपूर थले तो जीत कपूर थले तो ये सिस्टर दसदे ने कि इन्होंने पहली बार सैटरडे नाइट मीटिंग नो अटेंड किया है। और सिस्टर दसदे ने कि एक हफ्ते तो इन्होंने चेस्ट दे विच दर्द सी और जिद्दां इन्होंने कल सैटरडे नाइट मीटिंग अटेंड की और वर्शिप दे विच इन्होंने महसूस किया कि इन्होंने चेस्ट दे विच एक टक करके आवाज आई और उस तो बाद परमेश्वर ने इन्हों उस दर्द तो जो एक हफ्ते तो हो रही थी परमेश्वर ने छुटकारा दिता है। इस वड्डे छुटकारे के लिए परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद कर दें। सिस्टर राज नंदनपुर तो सिस्टर जी दसदे ने कि परमेश्वर जी ने इन्हों इन्हों परिवार को संभाल के रखिया पूरा महीना, हर एक लोड़ नू जरूरत नू पूरा किया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और सिस्टर जी दसदे ने कि ये रोड के उत्ते डिग गए सीगे मूँह के भार पर परमेश्वर जी ने इन्हों संभाल के रखिया, सट चोट तो बचाया है, इसलिए भी ये परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा ते जलाल परमेश्वर जी के नाम। सिस्टर किरणजीत रविदास नगर तो
सिस्टर किरण जी रविदास नगर तो इस हिस्से दसते हैं कि परमेश्वर जी ने इन्हों इन्हे परिवार को संभाल के रखे हर एक लोड़ नू जरूरत नू पूरा किया है इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और बीते दिनों दे विच इन्हां दे बच्चियां दा जन्मदिन सीगा ये परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर जी ने इन्हां दे बच्चियां नू संभाल के रखिया नवा साल दिता है और ये परमेश्वर के घर दे विच शुक्रगुजारी नू लै के आए ने ये सारियां गल्लां दे लई परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद करते हैं सारी महिमा ते सलाम हालेलुया जोरदार ताड़ियां दे नाल परमेश्वर का धन्यवाद करांगे सिस्टर एलिस नंदनपुर तो सिस्टर एलिस नंदनपुर तो इस हिस्से दसदे ने कि परमेश्वर जी ने इन्हां नू इन्हां दे परिवार नू संभाल के रखिया है आशीष और बरकत दिती है इसलिए धन्यवाद करते हैं सिस्टर जी दसदे ने कि जदों तो इन्होंने पिछले वीक अपने हसबेंड के लिए ले हैंड प्रेयर करवाई सी उन्होंने खांसी बहुत आती सी और सिस्टर जी दसदे ने कि ले हैंड तो बाद इन्होंने हसबेंड नू बहुत ज़्यादा फर्क है परमेश्वर ने चंगियाई दिती है इसलिए परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद करते हैं सिस्टर कुलदीप आरसीएफ तो कुलदीप आरसीएफ तो इस हिस्से दसते हैं कि ये परमेश्वर का बहुत ज़्यादा दिल तो धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने इन्हों इन्हे धियां पुत्रा नू संभाल के रखा है हर एक लोड़ नू जरूरत नू पूरा किया है आशीषा बरकतां दित्तियां ने इसलिए इन्हां सारियां गल्लां दे लिए परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद करते हैं सारी महिमा ते जलाल परमेश्वर जी के नाम नू सिस्टर ज्योति रविदास नगर तो इस हिस्से दसदे ने कि इन्होंने एल सी डी लैनी सी ते इस शॉप ते गए और जो उत्थे गए तो उन्होंने कहा कि तुहाडा लोन जिहड़ा ओह नहीं हो सकता तो सिस्टर जी ने उस वेले अपने मन दे विच प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर मैं इस जगह पर आई हाँ तो मैं इतों खाली नहीं जाना और सिस्टर जी दसदे ने कि जदों ही मैं इदा बोलिया आ और थोड़ी देर बाद ही उन्होंने मैनू कहा कि तुसी एल सी डी लैके चले जाओ और तुसी अपना लोन जिहड़ा आ एक हफ्ते बाद आके करा सकते हो इस वड्डी भलियाई दे लिए परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद कर दे सिस्टर ने जो भी डिकलेयर किया जो तुसी डिकलेयर कर दे ते परमेश्वर फिर उस ते साडे जीवन दे विच काम करता है हालेलुया हालेलुया सिस्टर किरण मकसूदा बाईपास तो सिस्टर किरण मकसूदा बाईपास तो बड़ी ही अद्भुत गवाही है हालेलुया जो खुदा दे दास जी ने इन्हों वर्ड दिते कि तुसी जाओ तुहानू नवा ऑटो जिहड़ा उह मिल जाएगा हालेलुया और सिस्टर जी दसदे ने कि जदों ये ऑटो लैण दे लई गए तो जो उत्थे जाके इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट दिते तो इन्हों के आधार कार्ड दे विच प्रॉब्लम आ रही सी और सिस्टर जी ने फिर तो प्रॉफिट जी कोलों प्रार्थना करवाई और प्रॉफिट जी ने कहा कि तुहाडा ऑटो तुहाडे घर दे विच आ चुका है हालेलुया और जो इन्होंने फिर दोबारा दिते अपने डॉक्यूमेंट से जी आधार कार्ड से प्रॉब्लम आ रही थी वह प्रॉब्लम जी सॉल्व हो गई उस तो बाद फिर एक नवी प्रॉब्लम आई उन्होंने गवाह लिए कहा कि दो गवाह चाहिए ने जो ये दो गवाह नू लेके गए तो उन्होंने जेडे सिबल स्कोर से वह खराब से हालेलुया प्रॉफिट जी को इन्हों वर्ड्स मिल चुके थे कि तुहाडा ऑटो तुहाडे घर दे विच नवा आ चुका है और प्रॉब्लम ते प्रॉब्लम आ रही थी इन्होंने फिर दोबारा प्रेयर करवाई और प्रॉफिट जी ने इन्हों फिर तो वर्ड दिते कि तुहाडा जिहड़ा है बिना गरंटी तो ऑटो जिहड़ा तुहानू मिल जाएगा और उसी तरह होया जदों ये फिर दोबारा उत्थे गए तो उन्होंने बिना गरंटी तो बिना डाउन पेमेंट तो इन्हों की ऑटो दे दिता जो प्रेयर हुई प्रेयर तो बाद परमेश्वर ने उन्हें मन को बदलिया और सिस्टर जी दसते हैं कि पता नहीं उन्होंने की सोचा तो सानू चाबी फड़ा दी कि तुसी चाबी ले लो तो ऑटो नू ले जाओ हालेलुया जोरदार ताड़ियां दे नाल परमेश्वर का धन्यवाद करांगे और जो खुदा ने अपने दास के द्वारा इन्हों वर्ड्स बोले से उस आशीष नू असीं देख सकते हैं इन्हों का नवा ऑटो जो परमेश्वर के घर दे विच लैके आए ने और सिस्टर जी दसदे ने कि उस तो बाद उन्होंने साडे कोल गैस सिलेंडर की पासबुक उन्होंने इन्हां दे कोलों मंगी और इस ते भी परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया सिस्टर जी दसदे ने कि 14-15 साल हो गए ने असी गैस सिलेंडर की कापी नहीं बनवाई हालेलुया 14-15 साल तो और जो उन्होंने प्रूफ मंगया कि सानू प्रूफ चाहिए आ तो ये उत्थे बोल के आ गए
ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਆ ਕੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ ਕਾਪੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 5000 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 5000 जो मैं फोन लैन जाना सी ते पैसे नहीं आ लोन किस तरह होवेगा और सिस्टर जी दसदे ने जदों ये गए आ जदों इन्होंने जाके शॉप ते गल कीती और जदों अपना बैंक बैलेंस चेक कीता है तो सिस्टर कहंदे कि 2200 रुपया मेरे अकाउंट दे विच सी और ये अज नवे फोन दे नाल ब्लेस किया। इन्हां ब्लेसिंग दे लई परमेश्वर दा धन्नवाद करदे जोर नाल ताड़ियां दे नाल परमेश्वर दी महिमा करांगे। क्या सिस्टर गुरमीत पहाड़ीपुर तो एक बार फिर तो असीं परमेश्वर दा धन्नवाद करांगे जोरदार ताड़ियां दे नाल। सिस्टर एंजल पहाड़ीपुर तो सिस्टर दी गवाही आ कि इन्हां नूं खांसी बहुत ज्यादा आउंदी सी और इन्हां दे पिंड पहाड़ीपुर दे विच मीटिंग सी जदों बेटी उस मीटिंग दे विच गई ते परमेश्वर ने इन्हां नूं छू के चंगा कीता है इसलिए ये परमेश्वर दा दिल तो धन्नवाद करदे ने। सारी महिमा के जलाल परमेश्वर की जलाल सिस्टर जसवीर कौर कपूरथले तो सिस्टर जसवीर कौर कपूरथले तो ये सिस्टर ही दसदे ने कि जदों ये चर्च दे विच देखदे आ कि सारे परमेश्वर दे मस्से दे नाल अभिषेक दे नाल भरदे ने ते इन्हां नूं कुछ भी फील नहीं सी हुंदा और अज जदों ये सिस्टर जी दसदे ने कि सानूं इंस्ट्रक्शन दित्ती गई कि तुसीं अखां नूं बंद नहीं करना अपनी ड्यूटी जिहड़ी ओह करनी आ तां सिस्टर जी अपने मन दे विच सोच रहे सीगे कि मैं अखां नूं बंद नहीं करांगी ते मैं उस मस्से नूं किद्दां फील कर सकदी आ और सिस्टर जी दे जीवन दे विच अज परमेश्वर ने अद्भुत काम कीता है। सिस्टर जी दसदे ने कि मैं खुलियां अखां दे नाल उस मस्से नूं अभिषेक नूं अज रिसीव कीता है इसलिए ये परमेश्वर दा दिल दा धन्नवाद करदे ने। हालेलुया। सिस्टर प्रेरणा मकसूदा तो सिस्टर प्रेरणा मकसूदा तो बड़ी ही अद्भुत गवाही है सिस्टर दी। सिस्टर जी दसदे ने कि इन्हां दा बर्थडे जिहड़ा ओह आउण वाला सी और एक महीने पहला इन्हां ने अपनी मम्मा नूं बोलिया कि मम्मा मेरा बर्थडे आने वाला है तो मैं सैलीब्रेशन करनी आ और मैनू एक आईफोन चाहिए आ। हालेलुया। सिस्टर कह रहे ने कि मैनू एक आईफोन चाहिए आ मैं घर प्रेयर मीटिंग भी करवानी आ ते इहदा खर्चा सिस्टर ने दसिया कि 70 to 80 हज़ार दे विच सीगा और इहदी मम्मी ने कहा कि मेरे कोल पैसे नहीं आ तू जीजस नूं अपना पापा कहनी आ ते तू अपने पापा दे कोल मंग। हालेलुया। असीं भी यीशु मसीह नूं कहने कि साडा पिता आ उह बाप आ। जदों इन्हां दी मदर ने इन्हां नूं इन्नी गल कही ते सिस्टर ने उस गल नूं रिसीव कीता फड़िया विश्वास दे नाल और उस तों बाद इन्हां ने अंगीकार करना शुरू कर दिता कि जीजस तुसीं मेरे पापा हो तुसीं मैनूं फोन चाहीदा है मैं बर्थडे सैलीब्रेट करना है मैं ड्रैसेस लैणी आ मैं मीटिंग भी करवानी मैं तेरे दासां दे लई भी उन्हां नूं गिफ्ट्स भी देना है। इन्हां ने इस तरह किया बोलना शुरू कर दिता और सिस्टर जी दसदे ने कि इन्हां नूं जदों इन्हां ने इस तरह डिकलेयर करना शुरू कर दिता ते पूरे 65000 दा आईफोन इन्हां नूं गिफ्ट दे विच मिलिया। जोरदार ताड़ियां दे नाल धन्नवाद करांगे।
नहीं कहा तो फिर इन्होंने की यीशु मसीह को कहना शुरू किया कि प्रभु तू इंतजाम करके दे। ते इन्होंने सिस्टर ते ब्रदर ने वो फोन इन्हों गिफ्ट किया और सिस्टर दसदे ने साडे घर दे विच प्रेयर मीटिंग भी बहुत वधिया हुई। इस सारी भलियाई दे लिए परमेश्वर का दिल तो धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा ते जलाल परमेश्वर दी होवे। हालेलुया।
और जो ये देख रहे थे कि इन्होंने ये कलर चूज कर लिया और जो इन्होंने सारा सिलेक्ट किया देखा कि बाकी और एक्टिवा के ऊपर ऑरेंज कलर का स्टिकर नहीं से सिर्फ ऐसे एक्टिवा के ऊपर ऑरेंज कलर का स्टिकर से और ये एक्टिवा इस आज चर्च भवन में खड़ी है। हालेलुया खाना खाता फर्स्ट टाइम मैं पूरा परिवार बाहर गया और खाना खाता क्यों क्योंकि परमेश्वर की ग्रेस इन्होंने दी है। परमेश्वर देख रहे हैं कि मेरे बच्चे कितने धूप छांव में मेरे काम कर रहे हैं। परमेश्वर ने किया इन्होंने एक राजे इतना ट्रीट किया है और रेस्टोरेंट में सारे परिवार ने इन्होंने फर्स्ट टाइम बाहर जाके खाना खाता। हालेलुया और जो अगे प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर धन्यवाद कर रहे एडवांस से भी पूरी हो चुकी और जिस तरह प्रॉपर्ट जी ने बोलिया उस तरह ही सेम एक्टिवा अज इन्होंने गोल है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं और प्रॉपर्ट जी उन्होंने थैंक्स करते हैं। हालेलुया खुदावंद की तारीफ करेंगे जोर नाल। बहुत अद्भुत गवाही आ और इंस्टेंट टेस्ट बनी आ। आप जानते हैं कि थोड़ी देर पहला प्रभु के सेवक ने प्रॉफिट जी ने कुछ वर्ड बोले से जो प्रार्थना कर रहे थे कि जो भी कुछ खाता खिलाया वा वह यीशु मसीह के नाम में बाहर आ रहा वा। और जिस तरह ही प्रॉफिट जी ने बोलिया इन्होंने सिस्टर जी ने अंदर पेट में कुछ गड़बड़ हो रही थी लेकिन ये समझ नहीं रहे थे लेकिन उन्होंने महसूस हो रहा था और उस तो बाद इंस्टेंट इन्हों वोमिट आई आ इन्हों वोमिटिंग आई आ और हम ये पूरी तरह आजाद हो चुके हैं। खुदावंद की तारीफ करेंगे जोर नाल। थैंक यू जीसस। मैं गवाही देनी नहीं सी चाहता फिर भी मैं सोचा कि नहीं परमेश्वर ने जिहड़ा मेरी जिंदगी काम किया दसना जरूर सीगा। नॉर्मल भी हो सकती है तो बहुत वड्डी भी हो सकती है डिपेंड करता अपनी समझ से कितना की सोच तुसी सोचोगे। मैं गड्डी सीगी मेरी गड्डी परमेश्वर ने मैनू टोटल फ्री करके दे दी है मैनू पूरे कर्ज तो आजाद कर दिता मेरी गड्डी दे तो गड्डी एक नॉर्मल लोन लिया फ्री होनी नॉर्मल सी गल आ। एक गड्डी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी सी। पहला भी गड्डी मेरी किसी के नाम पर सी वह पहला भी गड्डी लै गए उदो भी मतलब कि भी इन्ना अपसैट हो गए। मैं अपनी वाइफ नूं कहा सीगा मैं पहला भी गवाही दी सी उदो असी कहा सीगा इदों तां असी मतलब कि भी मारी जाते तो चंगा सीगा मतलब कि भी साडी गड्डी भी गई साडे पैसे भी गए सानूं कुछ नहीं सी मिलिया। उदो भी परमेश्वर दे दास दी दुआवां दे सदका साडे लई एक हैल्पर डिवाइस खड़ा होया। मैं रात नूं गड्डी जदों लै गए सीगे मैं फोन देखदा पिया सीगा बड़ा परेशान सीगा ते मैं आपकी वाइफ नूं कहा मैं कभी मुंडे ने भी कुछ देता तू भी आप खत्म कर मेरे को बस हो गई मेरी ते इधर फोन देखते देखते परमेश्वर ने दास ना फोन गल की है कहते भी टेंशन ना लो सारा परमेश्वर इंतजाम करूगा। असं कहते इंतजाम होना कितों ना ही कोई साडा रिश्तेदार ना ही कोई साडा कोई हेल्प करने वाला होना कितों इंतजाम। फोन देखते देखते एक मेरे को नंबर मिलया मैं उत्ते मैसेज किया मैं यार मेरी गड्डी फाड़ ली किसी ने वो कहता किन्ने पैसे चाहिए आ। मैं भी मैनू सीगा मैं 20-30 हज़ार रुपया दे दूंगा चाहिए मैं 1,90,000 सीगा। मैं मैसेज कर कहता आई डी भेज दे पर उन्हें जवाब देता कहता पर मेरे को हो नहीं सकता वो 10-20 तो भी जवाब देता। मैं फोन करके मैसेज करके सौ गया तो उन्हें सवेरे मतलब कि जो मैं सवेरे उठा टेंशन च बंदे ने की कहना असं फोन ही देखना सबको उठते हैं जो मैं सब को सवेरे उठ के देखे तो 2,30,000 रुपया मेरे फोन च स्लिप आई पई सी।
गड्डी फिर मेरी किस्तां नहीं मेरे तो पे हुई फिर चल गई, फिर गड्डी एक महीने लिए लै गए। बाद में कहते भी 8 लाख रुपया दे जा ये गड्डी, मतलब कि भी फिर असं वापस कर दी, नहीं तो गड्डी गई। फिर परमेश्वर के दास नाल गल की, परमेश्वर का दास कहता गड्डी तुहाडी है, तुहाडे कोल आ, कितें नहीं जाती। जिहड़े कहिंदे सीगे 8 लाख लैणा वा, उन्होंने जो मेरा लोन अमाउंट खड़ा सी उस विच ही मैनूं फिर गड्डी वापस कीती। ते परमेश्वर की कृपा नाल अज जदों लास्ट 25,000 रुपया रह गया, उदों बड़ी दिक्कत आ गई मैनूं भी, 25,000 ही नहीं हो रहा सीगा। फिर परमेश्वर दीआं दुआवां दे सदका, खुदा दे दास दीआं दुआवां दे सदका, मैनूं अज बिल्कुल उस गड्डी मेरे पूरी हक च, परमेश्वर ने टोटल फ्री कर दित्ती है गड्डी। ते सब सारी महिमा मैं परमेश्वर दे नाम नूं दिंदा वां। इसे तरह ही तुसीं पिछले संडे परमेश्वर दे दास ने टेस्टमनी करवाई सीगी, पर इहनूं गड्डी दित्ती परमेश्वर दे दास दीआं दुआवां सदका। पर इह तुसीं इहदे बारे में पहले भी दस्सिया सीगा, इह कौन इंसान आ, इह इंसान यही कहता सीगा कि ईसाई पैसे दे के ईसाई बनाते हैं, मतलब कि भी ये परमेश्वर का विरोध करता होंदा सीगा। आज इनू तुसी पुछो कि इनू किन्ने पैसे दिते जिन्हें ने गड्डिया ले लिया, मैं पैसे कितों आ गए, मतलब कि इहदे कोल दास ने पैसे दिते गड्डी लैने, तुसी पहले विरोध करते होंदे सी जी, परमेश्वर ईसाई जिहड़े आ पैसे दे के ईसाई बनाते आ। यह परमेश्वर के बच्चे आगे परमेश्वर ने दास ने तो पैसे इन्हू दिते नहीं, पर रब इन पता नहीं कितों पैसे दे जाता वा। यदी सोच सी कि एक नॉर्मल 10 लाख की गड्डी की भी जो गड्डी तुम लैन से तो पैसे सके कोई तेन गड्डी लैके देनी है, मैं सोचा कि सोचता दवा दे चिट्टी गड्डी आई जाए, ठीक है खड़ जाए चिट्टी आँदी है देख लगे की होंगे, टेंपू ड्राइवर इतना ही मिल गई तक सामने ही कोई भी नहीं। ये जेड़ा बंदा कहता सीगा कि परमेश्वर ईसाई जेड़े आ पैसे दे के ईसाई बनाते आ, ये मिनिस्ट्री विच आ के इनू किसी ने पैसे नहीं दिते, तुहाडे चों मैं भी किसी ने नहीं दिते, ना ही असीं दे सकदे आ। परमेश्वर इहदे लई इंतजाम करदा, मैं खुदा दे दास दीआं दुआवां दे द्वारा। जे तुसीं भी ईमानदारी नाल चलदे आ, वफादारी नाल चलदे आ, पैसे कोई मायना नहीं करता, तुसी घर लैणा वा तुहाडे कोई पैसे नहीं गए, कोई मायना नहीं करता पैसे हैगे नहीं हैगे, परमेश्वर तां वी घर दा इंतजाम करूगा, मेरे लिए होया आ। पैसे नहीं गए तां वी मैं गड्डी भी लई आ, मेरे को पैसे भी नहीं सीगे, नवी गड्डी फिर असीं लैके आ रहे हैं, थोड़े दिनों दे विच ओह भी आ जाणी आ। सारी महिमा परमेश्वर दे नाम नूं, परमेश्वर दे दास दा धन्नवाद करदे आ जिहड़े साडे लई तुहाडे लई दिन रात दुआवां करदे आ। असीं कुछ नैगेटिव सोच आ गई सीगी मेरे मन विच परमेश्वर दे दास दे खिलाफ, मैनू शर्म कोई नहीं आती, मतलब कि मैं हकीकत दसदा वा, मैं क्लीयर करूंगा, आप थोड़े दिन रोक के मैं तुम्हें क्लीयर करूंगा की नैगेटिव सोच आई सी, शब्द क्लीयर करूंगा। वो नैगेटिव सोच आने मेरा एक काम रुक गया, मेरे मन च की परमेश्वर ने पाया, दोबारा उस गल माफी मंगूंगा, फिर तेरा रास्ता खुलूगा। रास्ता भी ऐसा का इसका बिल्कुल बस कह लो कि सिखर से चढ़ के उत्तों सुटता, एक सैकेंड लगा मैंने डिगन, एक दिन पहला। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਜੋ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਡਿੰਪਲ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਵਰਡ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ। मैं खुदा तो भी माफी मांगता, परमेश्वर के दास तो भी माफी मांगता वा, क्योंकि मैं जो वर्ड बोले ना मेरा काम रुक गया वा। मैं माफी मांगी है, परमेश्वर का दास द्वारा मेरा काम जरूर करूंगा, वो तुहाडे सामने मैं उस गवाही दे नाल आऊंगा, उधर मैं तुहानूं शब्द भी दसूंगा मैं की बोलिया सीगा। सारे नूं जय सिंह।